अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी से हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, हमारे खाने हमारी पहचान, पंजाब पिज, दी हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, और ये है मेरा पाकिस्तान। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि कतलमा कतलमे को कहा जाता है कि पंजाबी पिज़्ज़ा। ये पंजाबी पिज़्ज़ा है और आपके सामने ये बनने के लिए जा रहा है। इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, देखिए आप भाई, ये नीचे जो आपने तैयार किया मैदे का सारा, और उसके ऊपर बेसन, और बेसन के ऊपर क्या क्या लगाया थोड़ा बोल दें प्लीज़। ऊपर सब मसाले लगाए हुए हैं, दाल माश है, धनिया है, दाल माश है, धनिया है, अनारदाना है, नमक है, मिर्च है। ये बनने के लिए जा रहा है कतलमा। बहुत अरसे से बड़े लोगों की फरमाइश थी कि हमें कतलमा बनता हुआ आप दिखाएं। ये देखें, ये फ्रेशली जो है वो कतलमा बनने जा रहा है। मैं आज आया हूँ शमसाबाद में, नवाशिफ पार्क के अंदर आज़ादी मेला लगा हुआ है, और आज़ादी मेले की जो मुझे नज़र पड़ी और मैं यहाँ पर आया, और मुझे भी बहुत लोगों की फरमाइश थी हमारे खाने हमारी पहचान पे कि हमें कतलमा बनाते हुए दिखाएं आप। तो ये बनने जा रहा है कतलमा, और ये कतलमा बना रहे हैं बड़े वेरी यंग एज के अंदर जो है, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। और ये आप देखें कि उसको किस तरीके से दे गया। People say to me in Punjabi that a Punjabi pizza, and but real name is a Katlama, and Katlama Punjab ki identity hai all over the Punjab, east aur west Punjab ke andar. Aapko jab bhi mele wagaira pe jaye aap, to aapko wahan par ye milta hai Katlama. Lekin that making a very easy, lekin ye process uska kafi difficult hai, kyunki ye used to hai, isliye inke liye ye difficult nahi hai. Main hu aapka apna host Baba ji, dekhte rahe hamare khane hamari pehchan. ये बन गया जो है वो नया कतलमा जो है वो आपके सामने आ गया। ये देखिए, लेट्स कॉल पंजाबी पिज़्ज़ा। दोनों ने बहुत देर बाद शुरू किया। पंजाब में तो कम से कम ये 450 साल से कतलमा जो है वो बनाया जाता है और खाया जाता है। सेम प्रोसेस है, लेकिन ये है कि वो ओवन किया जाता है और इसको फ्राई किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे खाने हमारी पहचान में पंजाबी डिश कतलमा, जो कि पंजाब की एक पहचान थी, भी बहुत कम देखने में नज़र आता है। सिर्फ गाँव के मेले में, या अगर आप इन बड़े मेलों में जाते हैं तो तभी आपको नज़र आता है। और इनके स्टॉल पर आपको मिलेंगे देसी फ्रेंच फ्राइज जो बेसन के अंदर तले में हैं, और ये पकौड़े हैं। फिर उसके बाद आपके लिए ये समोसा है, और ये तिल के लड्डू हैं जिनको छोटे मरसे कहा जाता है, और साथ में ये जलेबी है। पंजाबी मेला, और पंजाबी मेले के साथ ये पे सारी चीज़ें। एक और डो बनने के लिए जा रही है। ये देखें आप, इन्होंने सबसे पहले डो ली, यानी कि प्लेन फ्लोर लिया। प्लेन फ्लोर लेके उसको गूंदा हुआ, उसके अंदर ऑयल मिक्स किया हुआ है थोड़ा सा, और उसके साथ इसमें सॉल्ट होता है मिक्स किया हुआ। तो किस तरीके से इसको पहले एक बड़े पैन के ऊपर रख के और उसको प्रेसअप किया जा रहा है, आप प्रोसेस देख रहे हैं पंजाबी पिज़्ज़े का। दैट्स कॉल्ड अ कतलमा। आइडेंटिटी ऑफ द वेस्ट पंजाब, मेले ठेले पे आपको इवेंट्स के ऊपर ये मिलता है। और इसका प्रॉपर प्रोसेस जो है वो अब आप शुरू से देख लें, मैंने मिड ऑफ से दिखाया था। ये देखें आप, मतलब कि देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट वेरी एक्सपर्ट हैंड्स। लाजमी बात है कि ये जो हमारे देसी शेफ़ हैं बावर्ची हैं, इनको पहले बहुत ज़्यादा सारा एक्सपीरियंस के बाद जो है वो जाके बंदा इस तरीके से तैयार कर सकता है, वरना आम आदमी इस तरीके से इसको तैयार नहीं कर सकता है। अब इसके ऊपर होने जा रही है गार्निशिंग। ये छोटे छोटे कट्स लगा दिए,
उसके बाद इसकी मैरिनेशन जो की हुई है ऑलरेडी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर ज़रदा रंग इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने, सूखा धनिया है, अनारदाना है, कुछ गर्म मसाला होता है और दाल माश होती है, फिर इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं उसमें मिक्स करके उसके बाद जो है इसको उसके ऊपर ओवरलैप किया जाता है। ये देखें बनने जा रहा है कतलामा, आप देख रहे हैं हमारे खाने हमारी पहचान। सिस्टर सुखमीत कौर जी, स्पेशली आपको डेडिकेट है ये डिश कैलिफोर्निया से, जो आप पंजाब की लवर हैं और पंजाब के हेरिटेज को बहुत पसंद करती हैं, ये आपके लिए स्पेशली पंजाबी पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। वहाँ पर पहुँचा तो नहीं सकता लेकिन आप इसको देख के बना सकती हैं। ये इसकी ड्राई गार्निशिंग चल रही है, यम्मी। सूखा धनिया, दाल माश और इस तरह की चीज़ें, अनारदाना, ये सारे ग्राइंड की हुई हैं, बल्कि सॉरी ग्राउंड चॉप की हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा वो बारीक पीसे हुए नहीं हैं, अद पीसे हुए सारे हैं। ये सेम प्रोसेस तक पहुंच गया दोबारा। आपका नाम भाई? ये खुरम भाई, मतलब कि आप देखेंगे कितनी वो इसकी महारत के साथ ये गया दूसरा चीज़ा जो है वो, वाह। ये ज़रा हाँ घुमाइए इसे, ये इसको घुमाया जाता है ताकि आँच जो है इसके अंदर बराबर लगे, एक लकड़ी और एक जो है कपड़ी, दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, एक मूव करने के लिए और एक को पलटने के लिए। ये बैक इसकी वाइट की वाइट रहेगी और जो है ऑरेंज या गोल्डन कलर में जो है इसका फ्रंट साइड होगा, ताकि दोनों तरफ से टर्न ऑफ किया जा रहा है कि ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख रहे हैं हमारे खाने हमारी पहचान। मैं यार